सराय ख्वाजा थाना इलाके में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हैवानियत की सारी सीमा को पार कर दी है, जहां एक बुजुर्ग महिला को चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटा गया है। तो तस्वीरों में आप देख पाएंगे, हम आपको उन तस्वीरों से भी रूबरू कराएंगे कि कैसे भीड़ महिला पर टूट पड़ी है। चोरी के आरोप में महिला को पीटा गया, लात घूसे से महिला की पिटाई की गई है, महिला का मुंह दबाकर उसकी चप्पलों से पिटाई की जा रही है और साथ ही एक शख्स महिला के बाल पकड़कर उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। और देखिए ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला की पिटाई की जा रही है। चोरी के आरोप में महिला की पिटाई की गई है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहां इंसानियत भी शर्मसार हो रही है। हालांकि महिला पर चोरी का आरोप लगाया गया, लेकिन क्या ऐसे में महिला को इस तरीके से पीटना जायज है? कानून को अपने हाथ में लेना जायज है? लात घूसे से महिला की पिटाई की गई है, जब देखिए महिला के किस तरीके से बाल खींचे जा रहे हैं। जब आवरा यहाँ पर लोगों का लगा हुआ है और ये लगातार यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों नजर आ रहे हैं जो जमकर महिला की पिटाई कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। मीडिया पर एक महिला की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि ऑटो से यात्रा करते समय एक महिला के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हुए उसको ऑटो से उतारने के बाद वहां के लोगों द्वारा, वहां इकट्ठे लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। इस मारपीट का वीडियो वायरल होने का तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पर अपराध पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। शेष अभियुक्तों के बारे में पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और बाद अपराध पंजीकरण अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ले। तो एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। महिला ऑटो में सवार थी जहां महिला पर चोरी का इल्जाम लगाया गया, महिला को ऑटो से उतारा गया और इस तरीके से महिला की पिटाई की जा रही है। पिटाई के दौरान तमाशबीन लोग बने रहे। फिलहाल ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बेरहमी से महिला की पिटाई की गई है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना कितना जायज है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला की पिटाई की जा रही है। महिला का मुंह दबाकर उसकी पिटाई की जा रही है, उसके बालों को खींचा जा रहा है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया है। लात घूंसे से महिला की पिटाई की गई है। तो जौनपुर का पूरा मामला है, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम आपको एक्सक्लूसिव ये वीडियो दिखा रहे हैं कि लात घूंसों से महिला के बालों को खींचकर यहां पर पिटाई की जा रही है। महिला के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, चोरी के आरोप में महिला की पिटाई यहां पर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन हमारे साथ जौनपुर से लाइव जुड़ चुके। राजन, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी प्रीति, बिल्कुल आपको बता दें कि पूरा मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जपटापुर बाजार का है, जहां पे बताया जा रहा है कि यह महिला ऑटो में सवार होकर जा रही थी और उस दौरान इसने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद जो स्थानीय लोग थे, जो ऑटो सवार लोग थे, उन लोगों ने महिला की पिटाई की है और कितनी बर्बरतापूर्वक जो है महिला की पिटाई की है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं किस तरह से पिटाई की जा रही है महिला की। कोई लात घूंसे बरसा रहा है, कोई उसके गर्दन को दबा रहा है, कोई गला दबा रहा है, तो बड़ी बेरहमी से महिला की पिटाई की गई है। सवाल ये उठता है कि अगर महिला ने चोरी की थी तो सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी, महिला को पुलिस के हवाले करना चाहिए था, लेकिन किसने लोगों को अधिकार दे दिया कि खुद कानून को हाथ में लेते हुए महिला किस तरह से पिटाई करें। और यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और गंभीरता से देखते हुए जो है मामला दर्ज किया ऐसे लोगों के खिलाफ। साथ ही एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया जो महिला की पिटाई कर रहा था और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रीति, बिल्कुल राजन, और देखिए ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो है। महिला पर सिर्फ आरोप है, अभी उसका आरोप साबित नहीं हुआ है, महिला दोषी नहीं है। पुलिस को इस बारे में सूचना दी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर लोग कानून को अपने हाथ में लेते हुए नजर आए हैं। कितना जायज ये? जी बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उनको कानून का कोई भय नहीं है, जिसके कारण वो खुद कानून को हाथ में लेते नजर आ रहे हैं। अगर महिला ने चोरी की थी तो सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी, चाहे डायल 100 पे फोन किए होते, पुलिस पहुंची होती, या पुलिस महिला को पुलिस के हवाले किए होते। तो अगर उसने चोरी की थी तो महिला के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती, पुलिस जो है पूछताछ करती, लेकिन जो स्थानीय लोग थे और जो ऑटो में सवार लोग थे उन लोगों ने खुद कानून को हाथ में लिया और महिला की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई है। इंसानियत मानवता को शर्मसार कर देने वाली पूरी घटना है ये। किस तरह से महिला
अपने बचाव के लिए छटपटा रही है, लेकिन लोग उसे पीटते नजर आ रहे हैं और लोगों ने उसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई की। महिला बुजुर्ग थी और कोई भी, इतने लोग वहां पे खड़े थे, सब लोग तमाशबीन बन के देख रहे थे, कोई भी महिला को बचाने के लिए आगे नहीं गया या किसी ने भी पुलिस को सूचना देने की जहमत नहीं उठाई कि पुलिस को सूचना दे दी जाए जिससे महिला जो है बच सके, महिला की पिटाई न हो, महिला को लोग बचा सके, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया महिला को मदद को। और जिसके बाद ये वीडियो जब है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तब पुलिस ने इसमें गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। प्रीति बिल्कुल राजन, आपका शुक्रिया, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले